वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. नंबर कौन सा है आज का? 10. राइट डाउन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. सिट अटेंटिवली एवरीवन. अपने मुंह से हाथ डालो. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. If it is given inside the trial balance, if it is given inside the trial balance, it will go to P&L account credit side. It will go to P&L account credit side. Provision is made so that we can easily predict the amount of bad debts in future. Predict the amount of bad debts in future. एक लाइन छोड़ के लिखना. If given in adjustments, first effect is on debit side of P&L account. Debit side of profit and loss account. Second effect likho. Debtors may say minus. Subtract from debtors in the balance sheet. Just like further bad debts. Ek line chhod ke fir se likho caps lock mein. NDOC. NDOC की फुल फॉर्म लिखो. न्यू डेबिट ओल्ड क्रेडिट. NDOC. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो. हाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड. हाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड. Question mark. Step number one. Debtors minus further bad debts. Step number one. Debtors minus further bad debts. Step number two. Step one. Multiply by provision rate. स्टेप वन का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ प्रोविजन. बोर्ड पे देखो सब लोग. ये वाला जो आपने लिखा है उसको एक्सप्लेन करता हूं. मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है. उसमें आपको गिवन है डेटर्स 1 लाख रुपीज. बैड डेट्स लेट इट बी 10,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेट इट बी 20,000. एडजस्टमेंट नंबर वन इज further bad debts ₹10,000. Number two is provision for bad debts या doubtful debts is 10%.
ये क्वेश्चन आपको गिवन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या आइटम्स गिवन है एक बार देखते हैं। डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन, बैड डेट्स प्रोविजन। नाउ व्हाट एवर इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, दिस इज ओल्ड, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट। बेटा मत बोला करो गलत प्लीज। जो भी चीजें एडजस्टमेंट में दी होती हैं वो क्या होती हैं? अब हम बनाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ साथ ही क्या ड्रॉ करेंगे? बैलेंस शीट। सबसे पहली आइटम आपको देख रही होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेटर्स, वो चले जाएंगे हमारे एसेट्स के अंदर। कितना अमाउंट है बोलो? 1 लाख। सेकेंड आइटम क्या है? बैड डेट्स। कितनी है? 10,000। और फर्दर बैड डेट्स कितनी है? 10,000। इसी में क्या कर दिया? प्लस। टोटल बैड डेट्स कितनी हो गई? 20,000। इज इट क्लियर? डेटर्स में से, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स क्या हो जाएंगी? माइनस। डेटर्स कितने रह गए? 90,000। इतना क्लियर हो गया? डेटर्स में से, ये कल वाली एडजस्टमेंट लिया, अभी कुछ नया नहीं कराया मैंने। डेटर्स को बैलेंस शीट में डाल दिया और बैड डेट्स को, फर्दर बैड डेट्स को ऐड करके पी एंड एल में डाल दिया, और जो फर्दर बैड डेट्स है वो डेटर्स में से क्या कर दी? माइनस। चले अब आज का मेन टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो उसमें क्या होगा देखो, ये जो ओल्ड प्रोविजन है ये चली जाएगी पी एंड एल की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना? 20,000 रुपीज। अब हमें न्यू प्रोविजन कितनी दे दी? 10%। ठीक है, इसके ऊपर हमने किस पे लगानी है? डेटर्स पे लगानी है। 1 लाख के डेटर्स थे, फर्दर बैड डेट कितने हो गए? 10,000। डेटर्स रह कितने गए? 90,000। तो 90,000 का 10% कितना आ गया? वो लिखेंगे हम इस साइड पे, टू न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आ गया आंसर? 90,000। और इसका वर्किंग नोट हमने ये बना दिया। अब ये जो फर्दर प्रोविजन आपने बनाई है ये भी डेटर्स में से क्या हो जाएगी? माइनस। न्यू प्रोविजन 9,000, दैट मींस फाइनल आंसर ऑफ डेटर्स इज व्हाट? 81,000। ठीक है, पहले पहले स्टेप्स लर्न करेंगे हम। डेटर्स जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट्स साइड, बैड डेट्स डेबिट में गिवन है तो पी एंड एल की डेबिट साइड, प्रोविजन क्रेडिट में गिवन है तो पी एंड एल की क्रेडिट साइड, जो फर्दर बैड डेट्स है इसके दो इफेक्ट होंगे, एक पी एंड एल की डेबिट साइड पे चला जाएगा और दूसरा डेटर्स में से क्या हो जाएगा? माइनस। जो प्रोविजन है वो भी चली जाएगी पी एंड एल की डेबिट साइड पे और डेटर्स में से क्या हो जाएगी? माइनस। लेकिन वो बनानी किस पे है? जो डेटर्स होंगे उसमें से फर्दर बैड डेट क्या करने हैं? माइनस। जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या बनानी है आपने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। This is very, very, very important adjustment. In every school and final exam, this adjustment will come for sure, an 8 marks question. ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा आज कि जो new provision होती है, वो जाती है debit side पे। तभी मैंने आपको एक short form लिखवाई थी, NDOC. That means new debit, old credit. देखो old कौन सी है? जो box के अंदर है। ओल्ड कहाँ चली गई? क्रेडिट साइड। जो न्यू तुमने निकाली वो कहाँ चली गई? डेबिट साइड। और जो न्यू प्रोविजन बनानी है डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट क्या करने हैं? जसनूर, यहाँ पे फर्दर बैड डेट और पुरानी बैड डेट का अमाउंट सेम है, देख 10,000 10,000, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जो माइनस किए हैं क्या है? फर्दर बैड डेट्स, ना कि ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड वाले का वन ही इफेक्ट होगा, इट विल जस्ट गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। इज इट क्लियर? यस। सो व्हाई दिस प्रोविजन इज मेड? क्यों बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? मुझे लगता है कि मेरे डेटर्स कल को मेरे को पैसे नहीं देंगे, तो मैंने एक अगर प्रोविजन बनाई होगी, अगर मैंने अपना माइंड वहां पे ऑलरेडी लगाया हुआ है कि मेरे को इतना लॉस हो सकता है, फिर जब मुझे लॉस होगा ना मुझे इतना दुख नहीं। लेकिन अगर मैंने प्रोविजन नहीं बनाई, अपने माइंड को ये सिखाया ही नहीं लॉस हो सकता है,
और लॉस हो जाए तो मैं वो लॉस सहन नहीं कर पाऊंगा. इट विल अफेक्ट माय फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आल्सो. इज इट क्लियर? सो इन ऑर्डर टू बी हेल्दी दिस प्रोविजन इज मेड सो दैट यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर फेसिंग द लॉसेस इन लाइफ. सेम इज विद योर लाइफ आल्सो. राइट एक्शन. नोट डाउन. एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का. स्टॉप राइटिंग. जैसे मैंने ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड दिलवाया है, आप इसको यहां से माइनस भी कर सकते हो. करो माइनस. 9 माइनस 20 कितना हुआ? माइनस 11. तो इधर आप सिर्फ 11,000 डाल दो क्रेडिट साइड पे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम. जो ये वाली प्रोविजन है उसको न्यू प्रोविजन से क्या करेंगे? माइनस करो. 9,000 माइनस 20,000 माइनस में आ गया ना, तो अब माइनस में तो शो कर नहीं सकते, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 11,000. मतलब इन शॉर्ट प्रोविजन को प्रोविजन से क्या कर सकते हो आप? सेट ऑफ. जॉन सी भी बड़ी होगी वहां डाल देना. अगर यहाँ पे मान लो 90,000 होता है अमाउंट, तो 20,000 को 90 में से माइनस करो, कितना आंसर आ जाएगा? फिर आप 70,000 यहाँ पे शो करते हो. तो इट डिपेंड्स आपके स्कूल टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं. अगर आप मेरे वाला मेथड यूज करते हो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. और मेरा मेथड बहुत सिंपल है. न्यू डेबिट ओल्ड क्रेडिट. फिर ये माइनस और प्लस का चक्कर खत्म. इट्स योर विश. लिखो एक क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस छोटू सर. इसमें लिखो डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. डेटर्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. डेटर्स में लिखो 20,000 डेबिट साइड पे. बैड डेट्स में लिखो 2,000. प्रोविजन में लिख लो क्रेडिट साइड पे 1,000. एडजस्टमेंट नंबर 1. फर्दर बैड डेट्स 5,000. फर्दर बैड डेट्स 5,000. नंबर 2. न्यू प्रोविजन 10%. न्यू प्रोविजन 10%. जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन. ओल्ड बैड डेट्स बोलो 2,000. फर्दर बैड डेट्स 5,000. टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा. ओल्ड प्रोविजन 1,000. किस किसने ठीक डाली है? न्यू प्रोविजन का अमाउंट अभी हम निकालेंगे. क्वेश्चन मार्क. बैलेंस शीट. डेटर्स कितने के थे? 20,000. उसमें से फर्दर बैड डेट्स 5,000. कितना अमाउंट बचा? 2,000. इस पे बनाएंगे न्यू प्रोविजन 10%. कितनी आ गई? फाइनल आंसर इज रुपीज 13,500. और जो न्यू प्रोविजन है वो आ गई 15,000. और इस चीज का एक वर्किंग नोट भी बनाएंगे. डेटर्स थे 20,000 के, जिसमें से फर्दर बैड डेट्स 5,000 माइनस करी, डेटर्स बचे 15,000. इसके ऊपर हमने लगाया 10%, दैट इज रुपीज 1,500. ठीक है भाई? किस किस का पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत था? Raise your hands. कहां से गलत था? मेरा सिर्फ न्यू प्रोविजन की अमाउंट, मतलब वो गलत, बाकी सारे सुहाना वही हम दोनों ने. उसका कॉपी को मत किया करो. उसका नहीं कह रहा. उस आप उसका कॉपी मत किया. ठीक था? ठीक था. बोल आपका. ठीक था सर. अब हो गया. झूठ आज नहीं बोल. मेरा प्रश्न हो गया. चेतन अभी भी चेप रहा है. ठीक था? पोस्टिंग कर ली थी? हाँ जी. दानिश ठीक था? क्वेश्चन वन मोर. ड्रॉ द ट्रायल बैलेंस.
debtors, bad debts, provision for bad debts, amounts, debtors mein debit side pe 2 lakhs, bad debts 20,000, provision ko credit side pe likhna 30,000, 30,000, बिना प्रोविजन को क्रेडिट में लिखते हैं, ओल्ड है ना. एडजस्टमेंट नंबर वन, फर्दर बैड डेट्स 10,000, फर्दर बैड डेट्स 10,000, न्यू प्रोविजन 10%. जल्दी जल्दी हरी आप गलत नहीं होना.